नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यह खबर आपको दिखा रहा हूं, कोरोना संबंधित आपके लिए खास रिपोर्टिंग तैयार किया हूं हरनटीन तहसील ब्लॉक से। आइए हम आपको दिखाते हैं चलकर तहसील ब्लॉक चिकित्सालय में जिस तरह से कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए लगातार जो है लोग आसपास के लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुद ब खुद आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से यदि आपको लड़ना है, स्वस्थ रहना है, आपके परिवार को स्वस्थ रहना है, आपके गांव को स्वस्थ रहना है और सभी देशवासियों को स्वस्थ रहना है, तो हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, इसे हम सबको बखूबी से निभाना चाहिए। मैं भी आज जो है 10 जुलाई 2021 है, कोरोना महामारी को भगाने के लिए आज जो है मैंने भी आज जो है सुई यानी कोरोना वैक्सीन लगवा लिया हूँ, जिससे आप सभी से अपील है कि आप भी आइए, आज स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़िए। और वहीं पर हमारे घर के सभी सदस्य लगभग लगवा लिए हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो नहीं लगवा पाए हैं और एक दो बड़े हैं वो नहीं लगे हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, वो भी लगवा लेंगे। तो हमारे घर में सभी परिवार के लोग जो टीकाकरण लगवा लिए हैं और सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। हमारे पिताजी 95 साल के हैं और वो भी आज स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जागरूक भी करते हैं। तो आइए हम सभी लोग कोरोना वैक्सीन को लगाएं। मेरा नाम मिर्जा राशिद है जी। आज वैक्सीन करवा लिए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जिस तरह लोग डर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कितने लोगों को आप जागरूक करेंगे? हम जितने जानने वाले हैं हम सबको बताएंगे, आप वैक्सीन हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जाके तो स्वास्थ्य मंत्रालय हम सबकी फायदा के लिए कर रहा है। बहुत अच्छा। कोरोना वैक्सीन हम सभी लोग यदि लगवा चुके हैं तो हम सभी को आज जो है गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, कस्बा के रहने वाले हैं, आप अपने पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक कीजिए कि जाइए आप भी ब्लॉक पर, तहसील में या चिकित्सालय में या किसी डिस्ट्रिक्ट पर, तो आपका जो है कोरोना वैक्सीन लग जाएगा। आप जो है कोरोना वैक्सीन के अफवाहों से घबराएं नहीं, ये अफवाह है और स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन हमेशा देखते रहें, आपके जीवन के लिए यह सब बनाया गया है और यह हमारा देश खूबसूरती के साथ आगे बढ़े, स्वस्थ हो, सुंदर हो, इसीलिए भारत सरकार लगातार मुस्तैदी से हम सबकी सेवा के लिए फ्री में वैक्सीन टीकाकरण करवाया जा रहा है और अभियान भी जागरूकता का चल रहा है। हम सभी लोग आज मिलकर आइए एक त्यौहार मनाएं और कोरोना वैक्सीन लगवाएं, सभी को जागरूक करते रहें, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने फैमिली के, अपने रिश्तेदारों को भी जागरूक करें, किसी अफवाह में ना आए। जिस तरह से लगातार अफवाह देखा गया, यह अफवाह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और न बर्दाश्त किया जाएगा। यदि इस तरह से कोई अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और आपको बता दूं कि आप सभी लोग सतर्कता पूर्वक अपनी स्वास्थ्य जीवन के साथ आगे बढ़ें और कोरोना महामारी को भगाने के लिए आप टीकाकरण जरूर से जरूर अपने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। और नौजवानों को, महिलाओं और सभी को बोलिए कि 18 से 45 साल के उम्र के व्यक्ति को जो है आधार कार्ड लेकर जाना है और 18 से 45 साल के अगर कोई बीच में है तो उसे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के जो है ऐप पर जाकर आरोग्य सेतु रजिस्टर्ड करें और आपको जरूर से जरूर टीकाकरण लग जाएगी। आप सभी से अपील है कि आप इसका जरूर से जरूर मामले का संज्ञान में लें और आप जो है चिकित्सालय जरूर पहुँचें और इसका मापदंड भी आप समझ लें। यदि आप बुजुर्ग हैं और जो है 18 से 45 साल से ऊपर, मतलब कि आप 50, 55, 60, 70 साल के हैं, तो आप जो है आधार कार्ड ले जाकर ही आपको जो है वैक्सीन लग जाएगा। यदि आप 18 से 45 साल के नीचे हैं, मतलब 18, 20, 35, 40 या 45 के अंदर हैं, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आरोग्य सेतु पर जाकर आप रजिस्टर कीजिए, तुरंत बाद तुरंत आपका इलाज
होगा, टीकाकरण लगाया जाएगा, इससे कि आप सभी लोग स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ें और सभी को जागरूक करते रहें। कोरोना वैक्सीन के लेकर आप गंभीरता से लें। यदि आप कोई काम काज कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं या आपने बिजनेस संभाल रखे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं तो एक दिन का आप जरूर से ज़रूर छुट्टी लेकर जाएं। और आप जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, और आप सभी से अपील है कि आप जो है यदि क्वारंटीन के आसपास के रहने वाले हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप क्वारंटीन ब्लॉक पर पहुँचें और वहाँ पर चिकित्सालय में अपना जो है कोरोना वैक्सीन लगवाएं। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।